15,000 की स्कूटी पर 23,000 का चालान, पत्रकार ने उठाए सवाल, कहा कि नौकरी है नहीं चालान चाहिए। गुरुग्राम पुलिस ने काटा 23,000 का चालान, कांग्रेस नेता ने जमकर निशाना साधा और कहा है अंग्रेज ऐसे ही गरीबों से पैसे वसूलते थे, ये कैसा ट्रैफिक नियम, 15,000 की स्कूटी पर 23,000 का जुर्माना। आपको बता दें कि हेलमेट कागजात नहीं थे तो स्कूटी चलाने वाले पर 23,000 का जुर्माना लगा दिया है। यदि स्कूटी की मार्केट वैल्यू सिर्फ 15,000 रुपये हो तो यानी जितना जुर्माना लगाया गया उतने की तो गाड़ी भी नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूटी चलाने वाले ने कह दिया है कि वह 15,000 की स्कूटी के लिए 23,000 का जुर्माना भरने नहीं जाएंगे। ये मामला गुरुग्राम में चालान काटे जाने का है। मोदी सरकार द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने के खिलाफ बढ़े जुर्माना राशि ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। लोग रोड पर डर डर कर गाड़ी चला रहे हैं। इसकी वानगी देखने को मिली दिल्ली के रहने वाले और गुरुग्राम कोर्ट में काम करने वाले दिनेश मदान के साथ। दिनेश पर पुलिस ने 23,000 रुपये का जुर्माना ठोका है, जबकि उसकी स्कूटी की कीमत बाजार में मात्र 15,000 रुपये है। यही वजह है कि नए ट्रैफिक नियम के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदान सोमवार को अपने निजी काम के निकले तो ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिनेश बिना हेलमेट अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी पर सवार थे। इतने में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस समय दिनेश के पास हेलमेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन कुछ भी नहीं था। हालांकि दिनेश ने पुलिस से कहा है कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, वो गाड़ी के पूरे कागजात उपलब्ध करा देंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और 23,000 का चालान काट कर उनके हाथ में थमा दिया। अब सोशल मीडिया पर यह घटना आग की तरह फैल गई है। लोग सरकार का इस नियम के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता केशव चंद्र यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि अंग्रेज ऐसे ही कर लगाकर गरीब जनता से पैसे वसूलते थे। बता दें कि संसद में पास नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत चालान में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस नियम से लोग खासे डरे हुए हैं। वहीं कई राज्यों ने इस मानने से इनकार कर दिया है। वहीं गिरीश मालवीय ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। स्कूटी का 23,000 रुपये का चालान अर्थव्यवस्था में इतना योगदान, याद रखेगा हिंदुस्तान। बता दें कि संसद में नए पास ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत चालान में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस नियम से लोग डरे हुए हैं। कई राज्यों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।